था, मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम कुछ तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की मोदी जी को मानना चाहिए। दोस्तों कल केदारनाथ में नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जिसके वजह से जो तीर्थ पुरोहित लोग हैं और जो साधु संत हैं केदारनाथ के, वो भयंकर भड़के हुए हैं नरेंद्र मोदी से। और उनका बयान भी आया है कि जो कुछ नरेंद्र मोदी ने किया है वो बर्दाश्त के लायक नहीं है। जिस तरीके से वहां पे मीडिया का झुंड लेकर गए थे नरेंद्र मोदी, और मीडिया आगे पीछे धूम हिलाकर आगे पीछे घूम रहा था, हर एक फुटेज दिखाया जा रहा था, पूरा लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया जा रहा था कि देखिए नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे हुए, जहां पे कैमरे की इजाजत नहीं है वहां पे कैमरे को ले जाया गया। उसके बाद आपने देखा रेड कार्पेट पे जूता पहनकर चल रहे थे, जिसको लेकर जो वहां के साधु संत है वो भयंकर भड़के हुए नरेंद्र मोदी पे। मैं आपको कुछ वीडियो है वो दिखाता हूँ कि आप देखिए किस तरीके से ये लोग अपना बयान दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मोदी जी को हमने पहले ही कहा था, मोदी जी का जब प्रोग्राम सेट हुआ था उससे दो दिन पहले हमने अपने बाइट में कहा था, केदारनाथ में दो चीज का तीर्थ पुरोहित घोर विरोध कर रहे हैं। नंबर एक चीज, यहाँ जो है राजनीतिक मंच न लगे। दूसरी बात, जो मोदी जी सारे चैनलों को यहाँ बुला करके अपना लाइव देश विदेशों में दिखा रहे हैं, आपने मेरे हिसाब से आपने बहुत बड़ी सीमा लांघने की कोशिश करी। और ये एक मर्यादा में यहाँ के दर्शन होते हैं, ना कि दर्शन करते समय आप किसी को लाइव बताओ आप अपनी श्रद्धा। यहाँ भगवान की जो दर्शन होते हैं वो एक गुप्त रूप में होते हैं, ऐसे नहीं कि आप चैनलों को वो भी गर्व करें। मैं आपने बहुत बड़ा अन्याय किया, मैंने पहले भी इसका विरोध किया था, मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम कुछ तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की मोदी जी को मानना चाहिए। तो सुना आपने किस तरीके से जो तीर्थ पुरोहित लोग हैं वहाँ पे रहने वाले जो साधु संत हैं वो किस तरीके से भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि ये मंदिर का और सनातन धर्म का अपमान किया गया है। लोग वहाँ पे पहले से कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो यहाँ पे कैमरे का हुजूम नहीं होना चाहिए, मीडिया नहीं होना चाहिए, और बाकायदा जिस तरीके से वहाँ पे आरती की जाती है, जिस तरीके से पूजा किया जाता है उस तरीके से करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी को तो अपना छवि चमकाना है, मीडिया को लेकर घूमना है आगे पीछे, और दाएं बाएं हर तरफ कैमरा होना चाहिए, और वही काम कल नरेंद्र मोदी ने किया, जिसके वजह से आपने सुना कि किस तरीके से वहां पे जितने साधु संत है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और भयंकर बयान दे रहे वो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और कह रहे हैं कि ये जो किया है नरेंद्र मोदी ने ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। जो कुछ भी कल केदारनाथ में हुआ जिसको लेकर वहां के साधु संत भड़के हुए हैं, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, आप अपना जवाब जाइए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।